शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद सन्नाटा पसरा। छात्रों ने गेट के सामने धरना दे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जैसा कि आपको मालूम ही है, टीआरएस कॉलेज परिसर में नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक युवक संग्राम की गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी। पुलिस से सभी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर टीआरएस छात्रों ने गेट के बाहर धरना दिया। शासन प्रशासन की कार्यशैली, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर छात्र काफी आक्रोशित हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं घटनास्थल पर और दिखाते हैं घटना कैसे घटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉलेज में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर नितिन को गोली कैसे मारी गई, उसके साथ ही उसे अस्पताल कैसे ले गए, आरोपी कैसे भागा। यहाँ एक सवाल उठता है जो हजारों सवालों को जन्म देता है, क्या कॉलेज के अंदर इतनी आसानी से हथियार लाया जा सकता है? किसी पर भी गोली चलाकर आसानी से भागा जा सकता है? अगर हम इस घटना की बात करें तो कॉलेज प्रबंधन, वहां के टीचर, प्रिंसिपल, किसी ने भी घटना को गंभीरता से नहीं लिया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। हम आपको जल्दी ही ले चलेंगे टीआरएस कॉलेज और दिखाएंगे वहां की सच्चाई।